हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। स्वेटर, लेडी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, कार्डिगन, किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। रॉन्ग साइड पे ऐसा दिखता है। ये डिज़ाइन जस्ट 4 रोज़ का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 7 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 2। इसमें मैंने 7 मल्टीपल करके 14 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 16 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा, सॉरी, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब ये 2 ये 4 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, ये पीछे की 3 फंदा को आगे लाना है और आगे की 1 फंदा को पीछे। अब इस फंदा को लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर 3 फंदा को भी लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करना है, 1 2 3। अब ये 4 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3 4, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। 4 फंदा को ट्विस्ट किया, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। ये 4 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल पीछे से लेना है, ये पीछे की 3 फंदा को आगे लाना है और आगे की 1 फंदा को पीछे। अब इस 3 फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करना है, 1 2 3। फिर ये 4 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3 4, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको 1 फंदा बचेगा, 1 फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो सब उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब ये 4 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, ये पीछे की 1 फंदा को आगे लाना है और आगे की 3 फंदा को पीछे। अब इस फंदा को लेफ्ट मिरर में लेना है, फिर ये 4 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3 4। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर 4 फंदा को ट्विस्ट किया। आपको यही रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। फिर ये 4 फंदा को ट्विस्ट करना है, राइट नीडल आगे से लेना है, पीछे की 1 फंदा को आगे लाना है और आगे की 3 फंदा को पीछे। अब इस फंदा को फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, फिर ये 4 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3 4।
यहाँ से यहाँ तक दो डिजन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए ये डिजाइन जस्ट फोर रोज का है, फोर रोज में से डिजाइन बन के आएगा। अब फिर से रो वन से फोर तक रिपीट करके जाना है। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।